ये जेई मेन 2019 का एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीधे प्रैक्टिकल पर है, तो उसको पढ़ते हैं जरा। द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कंपाउंड एक्स एंड देयर इन्फरेंसेस आर, एक कॉलम में टेस्ट बनाया इन्होंने और एक कॉलम में इन्फरेंसेस लिखे हैं। ए 2,4-DNP, आपको पता ये 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, ये 2,4-DNP डालने से इन्फरेंस है कलर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट अगर डाला तो येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है, ठीक है ना। एजो डाई टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि कंपाउंड एजो डाई टेस्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चार कंपाउंड है इनमें से कोई एक्स है, आपको बताना है कि एक्स कौन सा है जो ये कंडीशंस फुलफिल करता है। कंडीशंस क्या है, 2,4-DNP टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट ये देता है, एजो डाई टेस्ट ये नहीं देता है। एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है ना, इसके सोल्यूशन में देख लेते हैं जरा। देखो 2,4-DNP टेस्ट जो है ना, 2,4-DNP टेस्ट देने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ये 2,4-DNP टेस्ट देते हैं, तो ऑप्शन ए तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए में कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं है, तो ए तो खत्म हो गया। बी सी या डी हमारा आंसर हो सकता है। 2,4-DNP क्या होता है, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अगर हम, ये है 2,4-DNP डाइनाइट्रो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से करता है तो ये जो कंपाउंड है ना, ये जो प्रोडक्ट है वो ऐसे बनता है, यहां से H2O निकालकर डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करवाई जाती है, H2O निकालकर ये बन जाता है एल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि जब हमने हमारे कंपाउंड एक्स की रिएक्शन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से करवाई तो हमें येलो प्रेसिपिटेट मिला है, ऐसा इन्होंने कहा है कि कलर्ड प्रेसिपिटेट मिला है, इसका मतलब हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन तो है, ये पक्का हो गया। दूसरा टेस्ट जो इन्होंने परफॉर्म किया है वो आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट की क्या खासियत होती है कि अगर हमारे कंपाउंड में CH3CO ग्रुप लगाओ, यहां पर R हो कोई, या फिर CH3CHOH ग्रुप लगाओ और यहां पर R हो, ठीक है ना। R कुछ भी हो सकता है, R क्या नहीं हो सकता, ROH नहीं हो सकता, RNH2 नहीं हो सकता, ROR नहीं हो सकता, OCOR नहीं हो सकता, या फिर X नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा कंपाउंड एसिड नहीं हो सकता, एमाइड नहीं हो सकता, ईस्टर नहीं हो सकता, एनहाइड्राइड नहीं हो सकता, एसिड हैलाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स को छोड़कर बाकी सभी में, अगर ये सिचुएशन है, ये वाली, कौन सी वाली सिचुएशन, CH3CHOH हो या CH3C OH हो, ठीक है ना, तो इसकी रिएक्शन I2NaOH से करवाने पर, या अगर ऐसे लिखा हो I2KOH लिखा हो ये भी चलेगा, या ऐसे लिखा हो I2OH- जस्ट ऐसे लिखा हो, या फिर ऐसे लिखा हो IONA सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये भी ठीक है, या सिंपली IO- लिख दिया जाए हाइपोआयोडाइड आयन, इनमें से कुछ भी लिखा हो, सबका मतलब यही है कि ये जो CH3 ग्रुप है लेफ्ट वाला, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में जो CH3 ग्रुप है, ये निकल कर CHI3 बनाता है, इसका नाम है आयडोफॉर्म, इस कंपाउंड का नाम है आयडोफॉर्म, और ये कंपाउंड एक येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। और जो दूसरा हिस्सा है कंपाउंड का RCOONA, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। तो इन्होंने लिखा है कि जो हमारा कंपाउंड एक्स है ना वो येलो प्रेसिपिटेट देता है, यानी हमारे कंपाउंड एक्स में या तो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। अच्छा, हमने ऑप्शन ए को पहले रिजेक्ट कर दिया है, तो ऑप्शन बी के हिसाब से आप देख लें,
ऑप्शन बी के हिसाब से सीएस3 सीओ तो बी में ही है, सिर्फ सी और डी में तो है नहीं, एक बात। और दूसरी बात, इन्होंने एक एजो डाई टेस्ट के बारे में भी बताया है, वो भी बता देता हूं आपको। एजो डाई टेस्ट में इन्होंने क्या कहा है, एजो डाई टेस्ट क्या होता है पहले बताता हूं। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ले लें, यानी कि रिंग के ऊपर NH2 जरूर होना चाहिए। इसकी रिएक्शन अगर मैं NaNO2HCl से करवाऊं, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो इससे एक्चुअली HNO2 बनता है, नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड बनाता है एक कंपाउंड जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको हम लोग शॉर्ट में BDC बोलते हैं। और इसमें अगर हम बीटा नेफ्थॉल की रिएक्शन करवा दें, बीटा नेफ्थॉल या अल्फा नेफ्थॉल भी चलता है, अगर हम बीटा नेफ्थॉल की रिएक्शन करवा दें तो इस बीटा नेफ्थॉल में ये कपलिंग रिएक्शन कर लेता है। ये जो डाइएजोनियम है ना, बेंजीन डाइएजोनियम, ये एक कपलिंग रिएक्शन करता है। ये जो डाई बनाता है इसको बोलते हैं एजो डाई। इसकी कलर रेंज है YOR, येलो ऑरेंज या रेड रेंज का ये कलर आता है। इन्होंने कह दिया कि एजो डाई जो है वो ये वाला टेस्ट नेगेटिव है, ये नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो प्राइमरी एरोमेटिक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन सी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है सी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन सी में उन्होंने प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि ये जो बी है, एक तो ये डीएनपी टेस्ट करता है क्योंकि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, दूसरा ये आइडोफॉर्म टेस्ट करता है क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप है, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3CO ग्रुप का होना अनिवार्य है, और तीसरा ये एजो डाई टेस्ट नहीं देता क्योंकि इसका जो एमिनो ग्रुप है ना, एरोमेटिक एमिनो ग्रुप, वो प्राइमरी नहीं है, जो कि एजो डाई टेस्ट के लिए आवश्यक है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी फाइनली, ठीक है, नोट करें।